एम्ब्रॉयडरी डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरेश वारदौरिया। आज मैं आपके स्क्रीन पे जो बूटा दिख रहा है उस बूटा पूरा विलकोम के अंदर ड्रॉ करने वाला हूँ और उसके साथ साथ उसका पंचिंग भी करने वाला हूँ। तो जो लोग अभी डिजाइन का सीख रहे हैं या फिर डिजाइन का सीखने वाले हैं तो उसके लिए वीडियो पूरा फायदेमंद होने वाला है। तो इस बूटे में किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से टूल्स का यूज होता है जिससे बूटा फटाफट बन सके, तो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं भी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं उसका जल्द से जल्द मैं जवाब देते रहूंगा। और मैं जो लोग अभी पहली बार वीडियो देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली इस तरह के नए वीडियो आपको जल्दी से फटाफट मिले और उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरा बूटा बनने के बाद डिजाइन और उसका इमेज में दोनों आपको डाउनलोड का जो लिंक रखूंगा उसमें देने वाला हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर देना, क्योंकि आप अपने हिसाब से बूटा ड्रॉ करके पंच कर सके। फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और आप इसी या फिर आप हमारे ऑफिस पे आके डिजाइन का कोर्स सीखना चाहते हो तो हमारा सूरत में ऑफिस है, तो ऑफिस का एड्रेस नीचे दिया हुआ है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो मेरा कॉन्टेक्ट करिएगा। जो लोग हमारे ऑफिस पे आके सीखना चाहते हैं उसके लिए डेली 2 घंटे का कोर्स रहेगा और 10,000 फी रहेगा। या फिर हमारा अगर आप किसी को डिजाइन हमारा डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है लाइफ टाइम क्रिएशन करके, तो आप हमारी ऐप में से डिजाइन रेडीमेड डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम ये वाला बूटा किस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमने वो बूटा स्कैन किया हुआ है स्कैनर की मदद से, तो बूटा हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, तो जहां भी हमारा वो सेव हुआ है वहां से हमें फाइल इंसर्ट करेंगे, तो उसका शॉर्टकट की है Alt+G+I। ठीक है, तो हमारा फाइल जहाँ पे हमने रखा हुआ है वहां से हम इंसर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑल फाइल करना है, इस तरह का मैं वीडियो काफी सारे रखा हुआ है, तो हमारा फाइल इमेज हमारी आ चुका है। ठीक है, अभी हमको बूटा कितनी साइज का रखना है वो पहले उसके हिसाब से इमेज सेट करना है, तो कितनी साइज का हमको इसको 120 mm के हाइट में बनाने वाले हैं, तो इसका साइज हम पहले सेट कर देते हैं। तो उसके लिए उस इमेज को सिलेक्ट करना है, तो व्यू में अल्टर उसको इमेज में सिलेक्ट करके एडिट में जाना है, वहां ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ पे साइज जो लिखा है तो हमको जो भी साइज का बूटा रखना है वहां पे 120 mm रखना है, तो उसके लिए 120 लिख लेते हैं। और नीचे की साइड क्लिक करना है और पूरा जितनी हाइट का रखना है वहां पे हमको क्लिक करना है। तो इमेज हमारा पूरा 120 mm का हो चुका है, देख लीजिए एम दबाऊंगा यहाँ पे हो चुका है। अभी पूरा इमेज हमारा स्ट्रेट है कि नहीं वो देखने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ से पूरा बूटा हमारा एकदम सेट है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा बूटा सही है। और बीच में दोनों साइड हमारा ए और बी पार्ट ऐसे रखने वाले, तो पूरा आधा पार्ट ही हम पहले बनाएंगे, आधा पार्ट उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये आ चुकी है। ठीक है, फिर हम इमेज को लॉक कर देंगे, तो इमेज हमने लॉक कर दिया क्योंकि ड्रॉ के समय ये हिले नहीं। ठीक है, उसका शॉर्टकट किया के, और हमको बूटा कोई भी जूम करना है तो जेड दबाने वाले, और जूम आउट करना है तो सिर्फ जेड दबाएंगे, और उसमें इनपुट ए बी रन वो सब यूज होगा, तो उसके किस तरह यूज किया जाता है उसका मैंने वीडियो आगे रखा हुआ है, तो जो लोग नए हो उसको समझ में नहीं आता है तो आगे वाले हमारा वीडियो देखिएगा। हम बूटा बना के चालू करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो पहले हम यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो हम रन सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे 3 का रन सेट करेंगे और सेव कर देंगे ऑल ऑब्जेक्ट। ओके ओके, ठीक है, अब यहाँ से हम चालू करेंगे। हो चुका है, अभी बीच का अंदर का जो लाइन है वो हम आउटलाइन वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये भी हमारा हो चुका है,
यहाँ पे जो भी लाइन चला है वो हम कर देंगे। ट्रिपल रन में चला हुआ है तो एक ट्रिपल रन जाएगा और उसके बाद एक रिटर्न आएगा, तो चार बार हमारा ये ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, तो पूरा लाइन हम इस टाइम ड्रॉ कर देंगे रन की मदद से। तो रन हो चुका है, यहाँ पे जंप लेंथ हम बंद कर देते हैं, ये स्ट्रेच एंगल है हमारा। ठीक है, ओके, अभी हमको अंदर का साथ में बनना है। तो इसके पे दोनों का हमने आउटलाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है, तो इतना ड्रॉ होने के बाद हमको ये वाला अंदर का डाटा में फिल करना है। किस तरह करेंगे इसका? दूसरा एक तरीका है कि अंदर हम अपने मैनुअल तरीके से करें। अगर मैनुअल नहीं करना है तो दूसरा हमारा तरीका है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वाला पहले बाहर का बॉर्डर का लाइन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन का ध्यान से समझिए किस तरह है। अगर हम उसको ऑन रखते हैं, बंद कर देते हैं और फिर हम कंबाइन दबाते हैं तो हमारा बाहर का जो आउटलाइन है वो निकल जाता है। ठीक है, फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे। अगर ये वाले ऑप्शन को हम ऑन रखते हैं, कीप सोर्स ऑब्जेक्ट वाले को, तो इसको हम ऑन करना है और फिर हम कंबाइन दबाते हैं तो अंदर हमारा यहाँ पे टाटा में फिल हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो आउटलाइन है वो भी रहता है। अभी हमको यहाँ पे अंदर के साइड जो ये वाला बॉर्डर है वहां पे करना है, तो हमारा यहाँ पे अंदर गैप हमको रखने वाला है। तो क्या करेंगे, ये टाटा में हम सिलेक्ट करेंगे और जो अंदर वाला जो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम फिर से कंबाइन दबाएंगे। तो हमने कंबाइन दबाया तो यहाँ का जो ये वाला हम डिलीट मार देंगे, तो देखो बाहर हमारा ये ड्रॉ हो चुका है और दोनों हमारा बॉर्डर हुआ है। अभी हमको इसको सिलेक्ट करेंगे और एच दबाएंगे और यहाँ पे एंगल में जाएंगे, तो हमको जिस तरह उसका एंगल रखना है वो हिसाब से हम एंगल रख देंगे दोनों साइड। देखो ये हमारा फिल हो चुका है। बाद में टाटा में हमको जितना स्पेसिंग वगैरह रखना है वो हिसाब से हमको यहाँ पे सेट कर देना है। कभी भी आप डिजाइन का पंचिंग करो तो हमारा ये वाला ऑटो स्टार्ट पॉइंट बंद ही रखना होता है। काफी सारे डिजाइनर क्या होते हैं यहाँ पे ऑन रखते हैं तो बार बार उसको दिक्कत आती है डिजाइन बनाने में। ठीक है, तो अभी हमारा इतना ड्रॉ हो चुका है का स्टार्ट और एंड पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अभी अंदर का भी हमारा ड्रॉ हो चुका है तो अभी हम इसका पंचिंग कर देते हैं। पहले तो पहले हम यहाँ पे अंदर का सेटिंग बनने वाले, तो कंट्रोल एक्स वी दोनों का स्टार्ट और एंड पॉइंट साथ में रखने वाले हैं। तो कंट्रोल एक्स वी कर दिया तो हमारा यहाँ पे मशीन ऑफ हो रहा है। अभी हमको यहाँ पे ये वाला लाइन चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन चलने वाला है इसको हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पे रन सिलेक्ट करेंगे और एच दबाएंगे, तो जहां पर भी हमारा ये वाला रन आने वाला है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट वहीं पे आके रुक गया, इसलिए तो पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। ओके, अभी हम रन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दो बार रन चलाने वाले उसका आउटलाइन है, तो कंट्रोल एक्स भी और रिपीट, रिपीट का शॉर्टकट की है एन। देखो ये हमारा रिपीट चला, मशीन आगे करने के लिए हमारा राइट साइड का जो एरो है वो चलाना है तो मशीन ऐसे आगे घूमेगा। ठीक है, इस तरह हो चुका है। तो फिर से हम ऐसे मशीन रिवर्स लाएंगे और यहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ से हम उसको एक्स वी और रिपीट देने वाले, एक्स वी और रिपीट ऐसे पंच करके जाएंगे, एक्स वी रिपीट एन, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट, रिपीट का शॉर्टकट की है एन, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट, एक्स वी रिपीट। तो देखो हमारा ये पूरा ऐसे बन चुका है। अभी हमको बाहर का आउटलाइन बनाना है, तो यहाँ पे हमारा मशीन पूरा हुआ है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक रन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो बाहर का आउटलाइन हमको चलाना है दो बार, कंट्रोल एक्स वी और रिपीट। तो देखो पूरा हमारा इस टाइप का पत्ती ऐसे बन गया है। पहले इसे अंदर का जो टाटा में फील है वो ड्रॉ बनेगा, फिर यहाँ से ये आउटलाइन बनने जाएगा और अंदर का जो है वो चलने वाला है। ठीक है, फिर दो बार आउट चलेगा
और बाहर की आउटलाइन दो बार चलेगी। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है, तो हम इसको ग्रुप दे देंगे। हमने जो यहाँ पे इसको लॉक किया तो शिफ्ट के दबाएगी तो अनलॉक हो जाएगा और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे। तो ये इतना हमारा पंच हो चुका है। अभी हम ये वाला ड्रॉ करने वाले हैं, तो इनपुट बी की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट बी हमने सिलेक्ट किया है, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट एंटर लेफ्ट राइट। तो कहाँ पे लेफ्ट दबाना, कहाँ पे राइट दबाना, वो आगे के सब वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो ध्यान से पूरा मेरा वीडियो देखिएगा। उसको सिलेक्ट करना है, एच दबाना है और कंट्रोल दबा के रखना है और वाला एंगल हमको ऐड करना है, ठीक है। तो जिस तरह हम उसको एंगल करना है उस हिसाब से हम एंगल सेट कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट या नीचे के साथ कर देंगे। दोबारा बनाते हैं, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट एंटर लेफ्ट राइट राइट। ऐसे डिजाइन फटाफट ड्रॉ हो जाता है, मगर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको पूरा समझ में आए, इसलिए मैं शांति से वीडियो बना रहा हूँ, वरना अगर मैं फटाफट बनाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा, कहीं पे घुमा घुमा फटाफट मत देखिएगा, वरना अच्छे अच्छे पॉइंट है वो आप मिस कर लोगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रन चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने रन सिलेक्ट किया, तीन कार लेंथ रखेंगे, लेफ्ट राइट वाला हमारा पहले नीचे सिंगल जाएगा, फिर ट्रिपल रन में बन के आने वाला है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसका पंचिंग करने वाले हैं। तो इतना हो चुका है, अभी हमको ये वाला बनाना है बीच में, कॉम्प्लेक्स फिल लिया यहाँ पे, अब इतना फिल कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे ऐसे करना है, तो काफी सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे उसका आउटलाइन ड्रॉ करने के अलग से रन से ड्रॉ करते हैं, अगर रन से ड्रॉ नहीं करना है तो अल्टर आए वो करना है, और यहाँ पे जीरो रखना है और यहाँ पे एक रखना है और यहाँ पे टिक मार्क निकाल देना है और वो दबाना है, तो यहाँ पे आउटलाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी अपने हिसाब से। तो ये आउटलाइन ड्रॉ हो गया, अभी हम फिर से यहाँ पे रन ड्रॉ करेंगे, तो लेफ्ट राइट राइट पंचिंग में जितना ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आपको स्पीड आएगी, ऐसा नहीं है कि आप तीन चार डिजाइन बना लिया तो पंचिंग फटाफट आपको आ चुका है, ऐसा नहीं है। घर पे अगर आप फ्री रहते हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपको डिजाइन में इतना स्पीड मिलेगा। और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीखने में बहुत ज्यादा स्कोप है, काफी सारे डिजाइनर एक एक घंटे का 5,000 से लेके 7-8 हजार रुपया लेते हैं, तो अगर आप 10 घंटे भी कहीं पे जॉब करते हो तो 50,000 से लेके 80,000-90,000 तक आप पूरा महीने का कमा सकते हो, इसलिए डिजाइन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम ये बीच वाला बना लेते हैं, तो डिजाइन का आपको सीखना है हमारी ऑफिस जाके, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, हमारा एड्रेस दिया हुआ है, तो आप हमारे ऑफिस पे आके भी डिजाइन सीख सकते हो। अभी हम यहाँ पे स्टार रखने वाले हैं, तो पहले हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, या फिर एक छोटा सा राइट क्लिक करके स्टार ड्रॉ करें। स्टार का हम लेंथ रखने वाले हैं 4 mm, और यहाँ पे उसका स्पेसिंग रखेंगे 1.20, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट रखेंगे, तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट का कंट्रोल डी करके जहाँ पे हमको स्टार रखना है यहाँ पे स्टार रख देंगे,
डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाना है और ध्यान रखेगा। तो इतना हो चुका है, अब यहाँ पे हमको रन रखना है। यहाँ पे इतना रन ड्रॉ करते जाना है, इतना रन ड्रॉ होने के बाद हम उसका देख कहीं पे अगर बाकी नहीं हो गया ना, देखते हैं। यहाँ पे अब छोटा पार्ट बाकी है तो मैं बना लगे। यहाँ पे देखो स्टार बनाया, इसलिए यहाँ पे जिगजैग आ चुका है, तो यहाँ पे हमको साटिन टाटा में करने वाले है, टाटा में फिल कर देंगे, फिर उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हम उधर ले लेंगे और दूसरा एक स्टार हम यहाँ पे बीच में रखने वाले हैं, तो उसका स्टार्ट पॉइंट उधर की साइड रख देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा रन डो करेंगे, मगर वो बाद में करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कहीं पे कुछ बाकी नहीं है ना, यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो इतना हो चुका है। तभी हम इस साइड का पंचिंग करने वाले, जो हमने ड्रॉ किया है उस साइड का हम पंचिंग कर लेते हैं, तो बाद में क्या वो सेम रिपीट हम इधर की साइड रख देंगे। ठीक है, तो इसका हमने पंचिंग किया हुआ है ही, तो ई स्पेस हमको दबाना है, यानी यहाँ पे चालू स्टेज एडिट में जाना है, तो उसका शॉर्टकट की है ई। तो जहां भी आपको मशीन ले जाना है वहां पे क्लिक करिएगा तो तुरंत वो आ जाएगा। अभी हमारा इसका पंचिंग करने वाले, तो कंट्रोल एक्स थ्री, तो ये बन चुका है। ठीक है, पूरा हम इसे रिटर्न लेंगे मशीन को, जहां जहां भी ये होगा हम इसका बनाते जाएंगे। कंट्रोल एक्स वी रिपीट एक्स वी, फिर आगे जाएगी। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हमको रखना है तो हमारा फिनिशिंग ज्यादा अच्छा आएगा। एक्स वी, कंट्रोल एक्स वी रिपीट एक्स वी, एक्स वी रिपीट एक्सपी रिपीट एक्सपी। पॉइंट टू पॉइंट रखोगे तो इतना स्टेज हमारा बचेगा। रिपीट एक्स विश रिपीट, रिपीट का शॉर्टकट की है एंड। मैं बार बार आपको बोलता हूँ क्योंकि अगर आपने वीडियो पकाया हुआ है तो फिर से आपको मालूम पड़ जाए। देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा गलती हुआ है, तो फिर समझाएंगे। चलो एक्स वी रिपीट एक्स वी, एक्स वी रिपीट एक्स वी। डिजाइन तो होने के साथ साथ पंचिंग भी कर देना होता है, तो फटाफट से डिजाइन बने। काफी सारे लोग क्या डिजाइन करते हैं, पहले पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और पंचिंग बाद में करते हैं। तो अब सेम सिमिलर हम कहीं भी हमको रखना है तो उसका पंचिंग अगर हमने कर दिया हुआ है तो दोबारा उसका पंचिंग नहीं करना पड़ता है। अभी यहाँ पर भी ऊपर से कॉलन रखेंगे, मगर हम पहले रिपीट से रन से ही बना लेंगे। एक्स वी रिपीट
मैं पहले ही इसका स्टार्टर मोबाइल इधर रखा था। तो यहाँ पे हमने ये पंचिंग हमने कर ही दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा और उसको एक्स भी देंगे। तो इतना हमने ड्रॉ हो चुका है, जितना हमने पंचिंग किया उसका हम ग्रुप दे देते हैं। तो इतना हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे, इसका पंचिंग हमारा बाकी है। तो जितना हमारा पंचिंग हुआ है यहाँ का उसको हम ग्रुप दे देंगे। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी दबाना है। अपना पार्ट इस साइड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सामने के साइड ले लेंगे। इतना हो चुका है, हमको सामने के साइड रखना है तो कंट्रोल डी करना है और अल्टर ई एफ दबाना है और मिरर करना है टिक मार्क रखने का और बीच में सेंटर लाइट एक खड़ा रखने का, तो पूरा पार्ट इधर आ जाता है। ठीक है, अभी हमको जिस तरह पंचिंग करना है हमने इस साइड का पंचिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल एक्स भी पहले अंदर का चलेगा, फिर उसकी आउटलाइन चलने वाली है, कंट्रोल एक्स भी और रिपीट दे देंगे। तो दो बार बन चुका है, तो देखो ये बन चुका है। तो पहले जिस तरह बनते जाएगा हम सबसे बनाते जाएंगे, तो कंट्रोल एक्स भी और रिपीट एक्स वी रिपीट एक्स वी रिपीट एक्स वी रिपीट एक्स वी रिपीट। अभी मैं बार बार रिपीट नहीं बोलूंगा, आप समझ लेना कि मैंने यहाँ पे रिपीट दिया हुआ है। ठीक है, रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट यानी ये से बसिन जाता है और फिर से आ जाता है। जैसे अभी हमने कोई भी ड्रॉ किया हुआ है, रन हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे स्टार्ट है और एंड पॉइंट है, तो मशीन यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वापस हमको फिर से वहां पे मशीन लाना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी दबाओगे फिर रिपीट दबाओगे, तो उसका मतलब क्या होता है, रिपीट होने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ड्रॉ होता है, उसका स्टार्ट एंड पॉइंट रिवर्स हो जाता है, तो अपने आप वो मशीन नीचे की साइड आ जाता है। एक्स रिपीट, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो पूरा डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए तो रन वाला जो वीडियो है वो देख लेना। आगे के हमारे वीडियो एक बार देखते रहने का तो पंचिंग का आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी मेरा वीडियो मिस मत करिएगा, ये सब में इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया हुआ है। और आप हमारा ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो कहीं से भी, तो ऑनलाइन कोर्स का हमारा 12,000 रुपया फीस है, डेली 1 घंटा आएगा, संडे को ऑफ रहेगा और 2 महीने का कोर्स रहेगा हमारा। यहाँ पे भी हम इसका एक्स दे देते हैं कंट्रोल एक्स, इतना पट बनने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम कंट्रोल एक्स भी देंगे। इसका तो हमने पंचिंग किया हुआ है ही, तो कंट्रोल एक्स भी दिया तो ये पूरा पंच हो गया। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, कंट्रोल एक्स भी और रिपीट। यहाँ पे स्टार्ट में जाने कंट्रोल एक्स भी, तो देखो इसे हमारा पूरा बूटा पंच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह पूरा ड्रॉ किया जाता है पूरा बूटा। तो हमने बूटे में क्या क्या सीखा, जैसे पूरा बूटा पहले हम ड्रॉ करते गए और उस हिसाब से हमको छोटे छोटे पार्ट में उसका पंचिंग साथ में करते गए, तो बाद में जहां भी हमको मशीन आता है तो वहां फटाफट हम पंच कर सकते हैं। तो पूरा बूटा ड्रॉ होने के बाद उसको पूरा ग्रुप मार देना होता है, तो कंट्रोल जी करके हमने ग्रुप कर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से पूरा बूटा ड्रॉ हो चुका है। यही बूटे को हमको 1,000 की आइट में 4 बूटा रखना है, तो किस तरह बूटा रखेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हमको एक पूरे बूटा हमने इतना बना दिया मगर अभी तक हमने बूटा सेव ही नहीं किया है, काफी सारे डिजाइनर होते हैं तो ये वाली दिक्कत रहने वाली है।
कभी भी आप डिजाइन ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले अपना बूटा डिजाइन कोई भी हो उसको सेव करना अच्छा जरूरी होता है। काफी बार क्या होता है, अगर पावर कट हो जाता है या आपका पीसी बंद हो जाता है तो आपने जो भी ड्रॉ किया हुआ है वो चला जाता है। तो थोड़े थोड़े 10-10 मिनट में आपको डिजाइन सेव करना अच्छा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने सेव नहीं किया था तो हमने फाइल सेव कर दिया हुआ है। अभी बूटे बूटे को हम 1000 के हाइट में 250 एरिया का 4 बूटे रखने वाले हैं, तो किस तरह बूटा रखते हैं मैं आपको देखने वाला हूँ। तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे कोई भी, उसका हम साइज रखेंगे 125 और हाइट में रखेंगे 1000 1000। ये बूटा यहाँ पे हम एक बूटा हम ये वाली लाइन पे रखेंगे, कंट्रोल डी करके ये बूटा सामने के लाइन पे रखेंगे। तो 4 बूटा हमको रखना है, तो चौथा लास्ट वाला जो बूटा है ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमको इसको अरेंज करना है, तो कंट्रोल दबा के रखना है, 4 बूटा सिलेक्ट हुआ और यहाँ पे अरेंज कर देना है चिप एवली डाउन, या फिर आपको यहाँ पे अरेंज में जाना है और यहाँ पे क्रॉस के अंदर डाउन दबाना है, तो 4 बूटा सेम हाइट अरेंज में आ जाता है। ठीक है, फिर W दबा के 3 हाइट में 250 एरिया में देखोगे तो इस तरह हमारा बनेगा। ठीक है, अगर हमका पंचिंग करना है तो जब अगर हमने इस तरह ही रखा हुआ है तो हिसाब से बनने वाला है, तो पंचिंग हम फिर आपका बनने के बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट एंड पॉइंट करना है और ओके दबाना है, ओम करना है, कीबोर्ड के में जो ओम वाला स्विच है उसको दबाना है तो पूरा ऐसे ब्लैक हो जाएगा। फिर हमको अगर मशीन चलाना है, किस तरह हमारा पंच होगा देखना है, तो यहाँ पे ट्रैवल बाय फंक्शन में जाना है, उसको पे राइट क्लिक रखना है, तो बूटा देखो एक साथ बन गया, तो कहीं भी हमारा जंप नहीं है। फिर तो जहाँ पे हमारा जंप होता है तो वहाँ पे मशीन रुक जाता है, तो इस हिसाब से पूरा बूटा बन गया है। तो मैंने आपको 4 हेड में कर 4 बूटा एक पल्लू में बना के बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरा बूटा ड्रॉ करके बताया और उसका साथ में कैसे फटाफट पंचिंग करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और ये आपको डिजाइन अपने हिसाब से ड्रॉ करना है और बनाना है, सीखना है, तो इसका मैं डाउनलोड में कैसे करना है उसका लिंक मैंने नीचे रखा हुआ है, तो मेरे लिंक पे क्लिक करके वहां से डिजाइन और ये वाला इमेज दोनों डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से कंप्यूटर में ड्रॉ करना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बार बार देखने का, तो आपको इस तरह पंचिंग किया जाता है आपको समझ में आएगा। और आप हमारी ऑफिस पे आके डिजाइन का कोर्स पूरा सीखना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है नीचे के साइड और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मेरे को कॉन्टेक्ट करिएगा। तो हमारा ऑफिस पे आके डिजाइन का कोर्स सीखने का मात्र 10,000 रुपया फीस है और डेली 2 घंटा आएगा और 3 महीने का हमारा कोर्स रहने वाला है। उसमें मैं आपको मल्टी कोडिंग चेन और सिक्वेंस चारों कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप डिजाइन का सीखना सोच रहे हो तो फटाफट मेरे को कॉल करिए, और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।